दोनों परों के अंदर आग सी लगी हुई थी। किसको आज आग लगी है? अस्सलाम वालेकुम, तैयार हादसे की खसूसी ट्रांसमिशन के साथ मैं हूं सैयद रजी और मैं हूं बुशरा हक। नाज़रीन, बात करेंगे गुज़श्ता रोज़ पेश आने वाले अफसोसनाक सानहे की। कौमी एयरलाइन PIA की परवाज़ को पेश आने वाले हादसे के नतीजे में जान बहक अफराद की तादाद 97 हो गई है, जबकि सिर्फ 2 मुसाफिर ऐसे थे जो मौजज़ाना तौर पर महफूज रहे। मैयतों की शनाख्त के लिए पंजाब फॉरेंसिक लैब की टीमें भी कराची पहुँच चुकी हैं। इसी हवाले से एक रिपोर्ट तैयार की गई है, आपको दिखाते हैं। लाहौर से कराची की उड़ान भरने वाला तैयारा कराची की हदूद में दाखिल हुआ, लेकिन जमीन पर न उतर सका। अफसोसनाक हादसे में 97 अफराद जान बहक और 2 मौजज़ाना तौर पर बच सके। लगभग दोपहर 2:44 पर मॉडल कॉलोनी के इलाके चना गार्डन में पेश आया, जहां तैयारा रिहायशी मकानात पर जा गिरा। हर तरफ चीख व पुकार थी, आग के शोले बुलंद और धुएं के बादल आसमान को छू रहे थे। एयरबस 320 ने तबाह होने से कबल 2 से 3 मरतबा लैंड करने की कोशिश की। PIA के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एयर मार्शल अरशद मलिक ने पैगाम जारी किया कि पायलट ने कंट्रोल रूम को बताया कि तैयारे में कोई तकनीकी मसला है और इसने लैंडिंग के लिए 2 रनवे तैयार होने के बावजूद लैंडिंग के बजाय वापस घूमने का फैसला किया। दिलखराश वाकया हुआ, हमारा जहाज A320 जो लाहौर से कराची आ रहा था, फाइनल अप्रोच पे इस्टेब्लिश था। जो आखिरी हमने आवाज़ सुनी है पायलट साहब की, वो ये कह रहे थे कि मुझे एक टेक्निकल प्रॉब्लम है, और उन्होंने फाइनल अप्रोच से उनको कहा गया कि दोनों रनवे लैंडिंग के लिए तैयार हैं, आपके लिए लैंड कर सकते हैं। लेकिन पायलट ने फैसला किया कि वो गो राउंड करना चाहते हैं। किस वजह से, क्या टेक्निकल मसला था, वो भी हम जाके देखते हैं। मैं भी इंशाल्लाह थोड़ी देर में खुद साइट पे पहुंचने वाला हूं। हादसे में बच जाने वाले मोहम्मद जुबैर ने बताया कि वो सियालकोट से कराची ईद मनाने आ रहे थे। जब वहां से अनाउंसमेंट हुई है उतरने की कि हम कराची एयरपोर्ट पे लैंड करने लगे हैं, तो उसके बाद उन्होंने 10 से 15 मिनट उसको जहाज़ को उड़ाते रहे, और उन्होंने कोई खाली जगह देख के मलीर कैंट का एरिया था वहाँ पर उन्होंने लैंड करवाने की कोशिश की है पायलट ने, और लैंड उन्होंने फिर अनाउंसमेंट किया कि जी हम लैंड करवाने लगे हैं, लेकिन किसी वजह से लैंड नहीं हो पाया। इब्तदाई रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया है कि लैंडिंग गियर जाम होने के बाद तैयारे से मुतादित परिंदे टकराए। इसी दौरान तैयारे के 2 इंजन जज्वी तौर पर बंद हो गए। इस मौके पर पायलट ने मेडे की कॉल भी दे दी। इस ट्रांसमिशन में हमारे पैनल्स में शामिल हैं माहिर हवाबाज सैयद नसीम अहमद, और इसके अलावा हमें ज्वाइन करेंगे ब्यूरो चीफ कराची शाहिद जतोई साहब भी, उनकी जानिब भी जाएंगे। लेकिन सबसे पहले रुख करेंगे हम बोल न्यूज़ के नुमाइंदगान का, जो कि इस वक्त मौजूद हैं जाए हादसा पर और सर्द खाने के बाहर। हमें अपडेट करेंगे कफील अहमद और अब्दुल हसीब। कफील, आपकी जानिब सबसे पहले आना चाहूँगा, इस वक्त क्या सूरत हाल है, क्या रेस्क्यू ऑपरेशन इस वक्त चल रहा है और मलबा उठाया जा रहा है इस वक्त भी? देखिए, रेस्क्यू ऑपरेशन को जो है वो फ़िलहाल रोक दिया गया था, और बताया गया है कि वफाकी वज़ीर हवाबाजी जो है वो यहाँ का दौरा करेंगे दोपहर के बाद, और उसके बाद जो जहाज़ का मलबा है और उसके अलावा जो दीगर घर जो मुतासर हुए हैं उसका मलबा जो है वो उठाया जाएगा। इस वक्त मैं आपको बताऊँ कि गवर्नर सन इमरान इस्माइल जो है वो जाए वकूह पर पहुँचे हैं, और उनके हमरा रुकन असम्बली और खुर्रम शेर जमान भी जो हैं वो यहाँ पहुँचे हैं, और जाए वकूह पर इस वक्त जो है वो दौरा किया जा रहा है, और सिक्योरिटी इस वक्त जो है वो हाई अलर्ट है। किसी मीडिया पर्सनस को जो है वो अंदर जाने का जो है वो अलाउ नहीं है। एक रिस्ट्रिक्टेड एरिया है जहाँ तक मीडिया महदूद है, उससे आगे जो है वो अलाउ नहीं किया जा रहा है। जो बताया जाता है, अब तक कल हादसे के बाद अब तक 25 घर ऐसे हैं जो कि मुतासर हुए हैं ऐसे जाए वकूह पर, और 11 घर ऐसे हैं जो कि मुकम्मल तौर पर जो हैं वो तबाह हो गए, तो उनके लिए कंपनसेशन
ऑपरेशन का तरीक़ेकार क्या होगा ये तो बाकायदा तौर पर PIA बता सकेगा। ताहम जो तर्जुमान हैं अब्दुल्ला खान उनके मुताबिक इस सानहे में जो शहीद होने वाले अफराद हैं उसमें से जो कवानीन है PIA के उसके मुताबिक तकरीबन जो फीकस है वो 5 लाख रुपये की अदायगी जो है वो की जाएगी। ताहम वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने जो है वो बाकायदा हिदायत जारी की हैं कि फीकस ख़ानदान को जो है वो तदफीन के ज़ुमरे में 10 लाख रुपये की अदायगी जो है वो की जाएगी। अब तो इस वक्त ये सूरत हाल है जहाँ पर और अब बताया जाता है कि जब वफाकी वज़ीर यहाँ पहुँचेंगे क्योंकि जो मलबा है जहाज़ का और उसके अलावा जो घरों का मलबा ताहल मौजूद है वहाँ से जो शवाहिद इकट्ठे करने के लिए टीम भी यहाँ पर जो है वो पहुँची है और इस वक्त वो तमाम जो जगह है एरिया उसको देखा जा रहा है और जो इसके अलावा कानून नाफिज करने वाली इदारे भी वहाँ बड़ी तादाद में मौजूद हैं और जब वफाकी वज़ीर यहाँ पहुँचेंगे वो यहाँ जगह का दौरा करेंगे और उसके बाद शाम 4 बजे जो है वो CO जो है वो PIA उनके हमरो जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी एक रखी गई है। तो इस वक्त ये सूरत हाल है, मीडिया को कतई तौर पे जो है यहाँ से आगे का एक्सेस नहीं दिया जा रहा और यहाँ पाक आर्मी की जानेब से एक डेस्क बनाई गई है जो है यहाँ पर वर्सा है उनके लवाकिन के लिए ताकि उनको कुछ इन्फॉर्मेशन अगर चाहिए हो तो वो यहाँ से हासिल कर सकते हैं। जबकि अब तक बताया गया कि एक फैमिली थी उसके मुतासर फैमिली उसके 16 अफराद हैं फैमिली के उनको यहाँ से कराची के एक निजी होटल जो है वो जो कि शार फैसल पर वाक़ है वहाँ उनको जो है वो शिफ्ट किया गया है और बाकी ठीक है कफील इस बारे में मजीद भी आपसे जानते रहेंगे। हमारे साथ रहेगा हसीब की जानिब चलते हैं जो कि इस वक्त ईदी सर्द खाने के बाहर मौजूद है, उनसे जानते हैं कि कितनी लाशों को यहाँ पर लाया गया है, शनाख्त का अमल कहाँ तक पहुँचा है। हसीब बताइएगा। जी बिल्कुल, ईदी सर्द खाने के बाहर इस वक्त भी बड़ी तादाद में जो वर्सा हैं उनकी तादाद बड़ी तादाद मौजूद है। इसके साथ साथ मुख्तलिफ मुकामात से मुख्तलिफ अस्पतालों से भी वर्सा चक्कर लगाते हुए यहाँ पर आ रहे हैं। यहाँ पर अगर मैयतों की बात की जाए तो ईदी सर्द खाने के मुंतजमीन के मुताबिक 53 मैयतें जो है वो यहाँ पर लाए गए थे जिसमें से 3 मैयतें अब तक वर्सा के हवाले कर दी गई हैं जबकि मजीद 3 मैयतों के वर्सा जो है वो ईदी सर्द खाने पहुँच गए हैं जिनको ज़रूरी कागजी कार्रवाई के हवाले कर दी जाएंगी। इसी तरीके से छिपा सर्द खाने की अगर बात की जाए तो वहाँ से भी जो है वो 6 मैयतें वर्सा के हवाले की जा चुकी हैं। तो सिलसिला शुरू हो चुका है लेकिन इस वक्त भी बड़ी तादाद में वर्सा जो है वो परेशान हाल वर्सा एक मुर्दा घर से दूसरा मुर्दा घर और एक अस्पताल से दूसरे घर चक्कर लगा रहे हैं क्योंकि इब्तदाई तौर पर जो आखिरी इतलात के मुताबिक 19 अफराद की जो है शनाख्त हुई थी उसके बाद ये सिलसिला रुक चुका है। अब जो है वो ये लाशें जो हैं वो शनाख्त के काबिल नहीं हैं जिसके बाद DNA के सैंपल्स और उनके वर्सा के सैंपल्स कलेक्ट किए जा रहे हैं जिसके बाद DNA के ज़रिए ही उनकी शनाख्त मुमकिन हो सकेगी। जी ठीक है अब्दुल हसीब, आप सर्द खाने के बाहर मौजूद हैं और सूरत हाल से हमें आगाह कर रहे हैं। हमारे जो पैनलिस्ट हैं वो भी हमारे साथ मौजूद हैं, हमें ज्वाइन किया है अब्दुल सत्तार ज्वाइंट सेक्रेटरी एविएशन है, इसके अलावा हमें विंग सीम अहमद रिटायर्ड भी ज्वाइन करेंगे और उनसे भी हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि जो हादसा पेश आया है आखिरकार क्या था और जो इससे पहले जो हादसात होते रहे हैं वो जो तहकीकती टीमें तश्कील दी गई थी वो तहकीकत कहाँ तक पहुँची। इस हादसे की भी 4 रुकनी तहकीकती टीम तश्कील दे दी गई है जिसने अपना काम भी शुरू कर दिया है। ज्वाइंट सेक्रेटरी एविएशन अब्दुल सत्तार हमारे साथ मौजूद है, बताइएगा सर जो सूरत हाल कल पेश आई और जो आखिरी कॉल जो हमने सुनी जो कि जो कंट्रोल टावर से पायलट का जो राबता था उसमें तो जो हम देखते हैं हमें कोई परेशानी नज़र नहीं आती जो गुफ्तगू हम सुनते हैं, तो ऐसा क्या हुआ होगा एंड वक्त में आकर के इस तरह का हादसा रोनुमा हो गया। जी अभी तक जो सूरत हाल सामने आई है उसमें उसमें यह है कि पायलट ने अब ये जहाज़ ने 1:05 पर लाहौर से टेक ऑफ किया और अपने टाइम पर वो कराची लैंडिंग के लिए उसने अप्रोच किया और वहाँ पे जब उसने वो किया लैंडिंग की अटेम्प्ट की तो उसके बाद जहाज़ ने एक दोबारा टेक ऑफ कर लिया और ये उसका जहाज़ के कैप्टन का प्रेरोगेटिव होता है कि अगर वो कंफर्टेबल है तो वो लैंड करता है वरना वो उसको इस मैनूवर की इजाज़त होती है कि वो अगर किसी वजह से उसको चेंज करना चाहे। तो उसने टेक ऑफ करके और उसने एक कंप्लीट एक सर्कल लेके और उसके बाद उसने अप्रोच की दोबारा इजाज़त मांगी, उसको बता दिया गया कि जी रनवे क्लियर है और उसी वक्त अचानक उसने मेडे कॉल दी
और इस वक्त ये बिल्कुल कबलज़ वक्त है कि हम कोई भी क्या सराई करें कि जी क्या हुआ होगा। यकीनन कोई ऐसा कोई टेक्निकल फॉल्ट डेवलप हुआ, ठीक है, जिसकी वजह से अब्दुल सत्तार साहब हमारे साथ रहिएगा, बात कर लेते माहिर हवाबाजी सैयद नसीम अहमद साहब से। नसीम साहब, ये एयरवर्दीनेस चेकिंग क्या होती है और उड़ान से पहले कौन सा महकमा इसे चेक करता है और ये क्या अमल होता है, इस हवाले से ज़रा बताइएगा। देखें, जितने भी जहाज हैं वो टेक्निकली एयरवर्दी होते हैं और इसका एक पूरा निज़ाम है। उनकी जितनी इंस्पेक्शंस होती हैं सालाना, 4 साल बाद, घंटों के लिहाज से और फ्लाइट से पहले, फ्लाइट के बाद, ये पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन और सिविल एविएशन की अथॉरिटी दोनों मिलकर एक प्रोग्राम बनाते हैं। और इनके इस प्रोग्राम से मैं, चूँकि मैं खुद भी एयरवर्दीनेस में रह चुका हूँ, मैं बहुत मुतमईन हूँ। नहीं देखें, इसकी डिटेल्स तो आम आदमी के समझ में नहीं आएंगी, यूँ समझ लें कि एक बहुत ही अच्छा सेफ्टी का निज़ाम मौजूद है जिसमें सिविल एविएशन के इंस्पेक्टर्स और ऑपरेटर यानी PIA के इंजीनियर्स और उनके टेक्नीशियंस और उसके अलावा जो इंजन इस जहाज के हैं उनके मैनुफैक्चरर और जिस एयरबस का ये एयरक्राफ्ट था उनके नुमाइंदे, ये तमाम मरबूत तरीके से बहुत ही कम्प्रिहेंसिव तौर पर मिल के इस बात को यकीनी बनाते हैं कि वो जहाज जो एयरवर्दी ना हो वो एयर में नहीं आ सकता। तो इससे पाकिस्तानी आवाम को हमेशा मुतमईन रहना चाहिए। और आप लोग मीडिया में काम करते हैं, आपको याद भी नहीं होगा, कोई आप बता सकें कि पिछले 20 साल या 30 साल में कोई जहाज जिसका क्रैश हुआ हो और उसमें हमें कोई टेक्निकल फॉल्ट मिला हो जो कि कन्फर्म हुआ हो मैनुफैक्चरर के साथ और पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी के साथ। तो ये एक बाइस इत्मीनान बात है कि हमारे जहाज मुकम्मल तौर पर एयरवर्दीनेस होते हैं। अच्छा, ये फरमाइएगा कि जो हमने गुफ्तगू सुनी जो पायलट की और कंट्रोल टावर से जो आपस में जो बातचीत चल रही थी उसमें तो हमने देखा कि कोई परेशानी नहीं थी पायलट की तरफ से, आपका तजर्बा हमें क्या बताएगा कि कहाँ जाकर कुछ हुआ कि ये इस तरह का हादसा रोनुमा हो गया? ये जो हमें इस वक्त मिल रही है वो एक तो हतमी नहीं है और वो मुख्तलिफ सोर्सेज है, न्यूज़ के थ्रू है, चैनल्स पे हैं या ज़ाती फ़ोन आते हैं। इन तमाम इंफॉर्मेशन की बुनियाद पर खासतौर पर जो मैंने मोहम्मद जुबैर नाम का एक मुसाफिर है उसका जो बयान है, अब ये नहीं पता कि उसकी क्या ज़ाती किस कदर कैपेबिलिटीज हैं, जो कुछ वो बता रहा है बिल्कुल सही है। उसका बयान बड़ा अहम है, वो ये कहता है कि जहाज़ नॉर्मल लैंडिंग पे आया और जहाज़ ज़मीन से तकरीबन टकराया या उसको आवाज़ें आई, उसके बाद जहाज़ ने दोबारा टेक ऑफ कर लिया। अगर ये बात सही है तो ये बहुत अहम इनपुट है फॉर इन्वेस्टिगेटर्स, फॉर सिविल एविएशन अदर्स, और जो कि जाहिर है CVR और DFDR से सब कुछ पता चल जाएगा। लेकिन चूंकि हादसे के अगले 24 घंटे लोगों में बहुत तजस्सुस होता है, सारा जोर इस बात पे होता है, सारा प्रेशर ये होता है कि ये पता चल जाए हुआ क्या है। तो अगर ये जहाज नॉर्मल आया और उसने लैंड किया यानी काफी अप्रोच कर लिया एंड देन एयर क्रू रियलाइज कि उनके लैंडिंग गियर नीचे नहीं है, अगर उन्होंने पहले से अनाउंस नहीं किया था, ये आप अपनी मीडिया कॉल्स और बाकी चीज़ों से और फिर एविएशन डिपार्टमेंट के जॉइंट सेक्रेटरी जो ऑनलाइन है वो इस चीज़ को देख सकते हैं। अगर इस पहले टच डाउन यानी रनवे के बहुत नज़दीक आने के वक्त लैंडिंग गियर उसके अप थे और क्रू को नहीं पता था, उन्होंने अनाउंस नहीं किया था और एयरपोर्ट पर किसी दहली लैंडिंग की तैयारी नहीं की गई थी, तो फिर इससे ये नतीजा यानी हम ये थोड़ा सा ये आइडिया बना सकते हैं कि किसी भी वजह से ये एक वो लैंडिंग थी कि जिसमें उन्हें नहीं पता था कि लैंडिंग गियर नीचे नहीं है। अब जाहिर है जब जहाज जमीन के नजदीक आएगा टेस्ट करेगा तो इंजन भी डैमेज हो सकते हैं और आफ्टर दिस प्रॉब्लम उसने दोबारा यानी गो अराउंड किया है और दोबारा गया है तो फिर तो चीज़ कुछ बात में समझ में आती है। और जाहिर है अब उसको अपनी इमरजेंसी का पता है, जहाँ तक आपने पूछा कि उसकी आवाज़, ये तो उनकी ट्रेनिंग होती है डे 1 से अल्हम्दुलिल्लाह, वैसे भी जीन में तो उसने अपना कॉन्फिडेंस शो किया है, उसने बिल्कुल मेरे डे की कॉल दी है और उसने पूरी तैयारी के साथ लैंड करने की, 15 मिनट उसने हवा में चक्कर या जिसको गो अराउंड कहते हैं उसके बाद दोनों रनवे उसके लिए। तो अहम नुकता ये है कि जब पहली दफ़ा वो रनवे के बहुत नज़दीक आया है, चाहे 10 मीटर ऊपर था, 20 मीटर ऊपर था, और फिर वो उसने गो अराउंड का फैसला किया है, उस गो राउंड में उसने टच भी कर दिया, उस वक्त इंजन को कोई नुकसान पहुंचा है,
दोनों इंजन का खराब हो जाना ये बहुत ठीक है। नसीम साहब आप रहिएगा हमारे साथ। अब्दुल सत्तार साहब आपको क्या लगता है, पहली जो तहकीकात सामने आई है उसमें ये बात सामने आई है कि लैंडिंग गेट नहीं खुला जिसकी वजह से ये हादसा हुआ और कुछ परिंदे जहाज से टकराए जिसकी वजह से ये हादसा हुआ, आप क्या समझते हैं लैंडिंग गेट ना खुलना कितना जो है वो खतरनाक साबित होता है? कोई भी बात कहना कबलज़ वक्त होगा, लेकिन अगर लैंडिंग गियर नहीं खुलता तो जहाज़ उसमें ये मॉडर्न एयरक्राफ्ट जितने भी हैं इसमें ऑटोमेटिक अलार्म जनरेट हो जाते हैं और वो बकायदा उसमें वो जो ऐसी चीज़ है वो पायलट के और उसके को पायलट के नोटिस में आ जाती है कि अगर ऐसी कोई चीज़ हो। दूसरा, आपने बर्ड हिट की बात की है। बर्ड हिट आम तौर पे जो मेरे नॉलेज के मुताबिक उनको पायलट्स को बहुत स्ट्रॉन्ग इसकी जब ये बड़े बर्ड जो अफेक्ट करते हैं जैसे चील वगैरह होती है वो जब आके हिट करता है तो उनको पता चल जाता है, लेकिन ऐसा कोई बर्ड हिट की रिपोर्ट जो है वो कंट्रोल टावर को नहीं दी गई। आपने इससे पहले जो नसीम अहमद साहब कह रहे थे मैं उसमें थोड़ा सा ऐड करूँगा कि ये जो जहाज़ हैं उनकी मेंटेनेंस का एक बहुत स्ट्रिक्ट रिजीम फॉलो की जाती है जिसमें उसके वेरियस चेक्स होते हैं। अब लास्ट नाइट हमारी मीटिंग थी वीडियो लिंक पे उन पीआईए के साथ और उन्होंने इसका बताया था कि इस जहाज़ का ए चेक जो एक मेजर चेक होता है वो मार्च 2020 में वो अभी किया गया और इसकी जो मेंटेनेंस है। फिर एक और मीडिया में सवाल आ रहा था जी कि ये जो फ़्लाइट सस्पेंड होने की वजह से कोई जहाज़ में कोई ऐसी ख़राबी, तो ऐसी बात नहीं है। 21 मार्च से जब से फ़्लाइट सस्पेंडेड हैं तो इस जहाज़ ने बहुत सारी फ़्लाइट्स की हैं, आठ फ्लाइट्स में ये शामिल रहे और हर फ्लाइट से पहले प्री फ्लाइट चेकअप होता है। तो ये कहना कि जी अगर कोई ऐसी किसी खराबी के साथ ये ट्रैवल कर रहा था तो ऐसा नहीं है। हाँ, ये मैकेनिकल चीज़ है, इसके अंदर कोई टेक्निकल फॉल्ट आ सकता है जो नसीम अहमद साहब बीइंग एक्सपर्ट वो इसमें आपको ज़्यादा बेहतर शेयर कर सकेंगे जी। ठीक है, एक अहम खबर आ रही है, हमारे साथ रहिएगा। शाह साहब आपसे भी इस हवाले से बात करेंगे लेकिन अभी नाज़रीन को यह अहम खबर दें कि शरई फैसला मरकजी रोयत हिलाल कमेटी करेगी। नूरुल हक़ क़ाज़ी की जानिब से कहा गया, उन्होंने कहा कि मरकजी रोयत हिलाल कमेटी के फैसले के मुताबिक हुकूमत ईद मनाएगी, शरीयत दीन चांद की रोयत और शहादत पर एतमाद करते हैं। इसी हवाले से तफसीलात जानेंगे बोलियों के नुमाइंदे अकील अहमद से। अकील, मज़ीद क्या कहना है नूरुल हक़ क़ाज़ी साहब का? जी बिल्कुल, ईद उल फितर के चांद के मामले के ऊपर दो वफाकी गुजरा जो है वो आमने सामने आ चुके हैं। इससे कबल कुछ देर कबल फवाद चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये ऐलान किया था कि आज चांद नजर आ जाएगा और कल ईद होगी, जिसके बाद वफाकी वजीर मजहबी अमूर नूरुल हक़ क़ाज़ी सामने आ गए हैं और उन्होंने अपने बयान में ये कहा है कि ईद का जो हतमी फैसला है वो मरकजी रोते हलाल कमेटी करेगी, जिसका इजलास आज शाम को होगा और मरकजी रोते हलाल कमेटी जो भी ऐलान करेगी उस पर अमल दरामद करते हुए हुकूमत जो है वो ईद मनाएगी। इस हवाले से हम किसी और को ईद के चांद का ऐलान करें। नूरुल हक़ क़ाज़ी ने यह भी कहा कि फवाद चौधरी मेरे अच्छे दोस्त हैं लेकिन आजकल वो चांद चांद खेल रहे हैं, हम साइंस की चांद की रोज के हवाले से साइंस की मदद तो ले सकते हैं लेकिन इस हवाले से हतमी फैसला जो है वो मरकजी रोज हिलाल कमेटी करेगी। तो नूरुल हक़ क़ाज़ी ने इस हवाले से वादे कर दिया है कि जो चांद देखने का जो भी इख्तियार है वो मरकजी रोते हलाल कमेटी करेगी और उनका जो भी फैसला होगा वो हतमी होगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अकील अहमद आगाह करने के लिए। ठीक है, अकील अहमद ने हमें आगाह किया। एक बार फिर बात करेंगे तैयारा हादसे की और हमारे साथ ब्यूरो चीफ शाह जतोई भी मौजूद हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। शाह जतोई फरमाइएगा, कल ये हादसा पेश आया, अभी तक वहाँ पर इमदादी सरगर्मियाँ स्पॉट पर हो रही हैं, लाशें जो हैं वो मुंतकिल कर दी गई हैं ईदी सरदखाने, 97 अफराद हैं, दो खुशकिस्मती से बच गए। ये बताइएगा इंतजामिया की कारकर्दगी ओवरऑल का क्या रही और ये जो कमेटी तश्कील दे दी गई है इब्तदाई तौर पर क्या बातें सामने आ रही हैं हादसे के हवाले से? जी देखिए, कल के हादसे के बाद जो है पाक फ़ौज के साथ साथ रेंजर्स और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन जो है ये रात पूरी रात काम करते रहे रेस्क्यू के लिए भी और जो लोग मुतासर हुए उनकी बहाली के लिए भी। और इसमें जो तमाम लाशें हैं वो पहले हॉस्पिटल्स में पहुंचाई गई, उसके बाद एधी और छीपा के सर्दखानों में इस वक्त लाशें मौजूद हैं। 75 लाशों की शनाख्त जो है वो अभी तक नहीं हो सकी है, उसके लिए जामिया कराची में डीएनए टेस्टिंग लैब जो है वो कायम कर दी गई है। फॉरेंसिक साइंटिस्ट जो है उनकी टीमें कराची पहुंच रही है।
डीएनए की सैंपलिंग जो है वो ली जा रही है, ये मुसलसल काम हो रहा है, बहुत तेज़ी से काम हो रहा है ताकि लाशों की शनाख्त हो सके और वर्सा के हवाले की जा सके। अब तक जो है कोई तकरीबन 12 लाशें जो हैं वर्सा ले जा चुके हैं, बाकी लाशें जो हैं वो रखी हुई हैं। उसकी बुनियादी वजह ये है कि वो काबिले शनाख्त नहीं है। ठीक है, जैसे जैसे शनाख्त होती जाएगी, डीएनए टेस्ट होते जाएंगे, लाशें जो है वर्सा के हवाले की जाएंगी। इस वक्त यकीनन जो वर्सा हैं वो बहुत परेशान हैं, उन्हें अपने प्यारों का नहीं पता चल रहा कि उनकी लाशें, उनके वर्सा की लाशें कहाँ हैं और क्या हैं। तो ये एक है दुख वाली बात, लेकिन एक प्रोसेस है, इसमें 3 से 4 या 5 दिन भी लग सकते हैं डीएनए टेस्ट में। 7 या 5 दिन भी लग सकते हैं लाशों की शनाख्त में, प्रोसेस होगा उसके बाद पता चल सकेगा। इस हवाले से भी बात करेंगे। पाकिस्तान में नाज़िम गुज़िश्ता रोज़ जो हादसा हुआ वो पहला हादसा नहीं था, इससे पहले भी कई तैयारे हादसे का शिकार हो चुके हैं जिसमें सैकड़ों अफराद अपनी जान से हाथ धो बैठे। पाकिस्तान में कब और कहाँ कौन सा तैयारा गिरा, इस हवाले से एक रिपोर्ट तैयार की गई है, पहले वो देखते हैं। सात दिसंबर 2016 पीआईए की परवाज PK-661 चित्राल से इस्लामाबाद आते हुए हवेलियां के नजदीक हादसे का शिकार हुई। हादसे का शिकार होने वाले तैयारे में 42 मुसाफिर, अमले के 5 अरकान और 1 ग्राउंड इंजीनियर समेत 48 अफराद जाँ बहक हुए थे, जिनमें पाकिस्तान की नामवर शख्सियत जुनेद जमशेद भी शामिल थे। 2012 में बोझा एयर का तैयारा बोइंग 737 कराची से इस्लामाबाद के लिए रवाना हुआ था, लेकिन मारगला की पहाड़ियों में गिरकर तबाह हो गया। 121 मुसाफिर और अमले के 6 अरकान जाँ बहक हुए। जुलाई 2010 में कराची से इस्लामाबाद जाने वाला निजी एयरलाइन एयर ब्लू का तैयारा A321 मारगला पहाड़ियों के दामन में गिरकर तबाह हो गया, जिससे 152 अफराद जाँ बहक हुए। रिपोर्ट आपने देखी और आपने जाना कि इस हादसे से कबल और कौन कौन से हादसे रोनुमा हुए हैं। गुज़श्ता रोज़ ये जो हादसा हुआ, 97 अफराद अपनी जानों से हाथ धो बैठे। हमारे पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। नसीम अहमद साहब, आपकी जानिब आऊँगी, फरमाइएगा, इससे कबल आपकी जानिब से भी ये ठीक है, आपकी जानिब भी बढ़ेंगे, लेकिन अभी अपने नाज़रीन को बराह रास्त लिए चलेंगे। गवर्नर सिंध इस वक्त गुफ्तगू कर रहे हैं इस वाक़े के ऊपर और अपनी एक्सपर्टीज़ वो सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं, जिससे जो फैमिलीज़ इफ़ेक्टेड हैं और जो इदारे इसके साथ मुंसलिक हैं उनको बेइंतहा तकलीफ़ है इस चीज़ से। लिहाजा ख़ुद साख्ता एक्सपर्ट्स से मैं गुजारिश करूँगा कि वो अपनी एक्सपर्टीज़ इस वक्त इस दर्दनाक वाक़े के ऊपर, हादसे के ऊपर अपने पास रखें, उसे खुदा के वास्ते ना ऐसी चीज़ें फैलाएँ जिसकी वजह से ख़ानदानों को, लोगों को, इदारों को तकलीफ़ का सामना करना पड़े। नंबर 2 ये कि जैसे ही ये हादसा हुआ, वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब, वज़ीर हवाबाजी सरवर साहब और हमारे PIA के चेयरमैन मलिक साहब फौरी तौर से एक राबते में आए और एक कोऑर्डिनेटेड एफ़र्ट वज़ीर आज़म की हिदायत पर की गई। फौरी तौर से हमारे आर्मी चीफ़ जनरल बाजवा साहब, हमारे एयर चीफ़ कोऑर्डिनेट इस एफर्ट के अंदर आए। फौरी उन्होंने इमीडिएटली उन्होंने अपने हेलीकॉप्टर्स और जितनी इमदादी टीमें वो रवाना कर सकते थे वो फौरी तौर से की गई। रेंजर्स ने बड़ा काबिले सताइश किरदार अदा किया, पुलिस हमारी यहाँ पर उनके साथ शाना बशाना मौजूद थी और लोकल लोग जो यहाँ पर थे उन्होंने बेइंतहा इसके साथ सारी टीमों के साथ मिल के जद्दोजहद में हिस्सा लिया और उन्होंने इस काम को अंजाम पहुंचाने के लिए अपनी कोशिशें पूरी की। मैं यहाँ पे ज़िक्र करना चाहूँगा कोर 5 का जनरल हुमायूं साहब, उनकी पूरी टीम, फायर डिपार्टमेंट, यहाँ पे बड़ी जांफिशानी के साथ उन्होंने अपना काम अंजाम दिया। कल रात को जो इफेक्टिव थे जिनके घरों पर ये क़यामत सुग़रा बरपा हुई, उन्हें वज़ीर आज़म की हिदायत पे फौरी तौर से एयरपोर्ट होटल शिफ्ट किया गया और कुछ लोगों को, क्योंकि एयरपोर्ट होटल अब फुल हो रहा है माफ़ कीजिएगा, तो कुछ लोगों को कसर नाज़ को इस वक्त टोटल तौर, मुकम्मल तौर पे, कुल्ली तौर पे यहाँ के हादसे के लिए खाली रखा गया है कि जो लोग
यहाँ पे एयरपोर्ट होटल में जिनको जगह ना मिले उनको कसर नाज में शिफ्ट करेंगे और आज सुबह से हमने ये शिफ्टिंग शुरू भी कर दी है। डीएनए की टीम, स्पेशलिस्ट टीम लाहौर से कराची आ चुकी है, वो अपना काम कर रही है 100%। जो यहाँ पे कैजुअल्टीज़ थी उनकी बॉडीज़ रिकवर कर ली गई हैं और इस वक्त डीएनए के हवाले से उनकी टेस्टिंग जारी है। जैसे 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 ये कंफर्मेशन आती जाएगी वैसे वैसे लाशें उनके जो वर्सा हैं उनके हवाले कर दी जाएंगी। मैं चाहूँगा कि हमारा इस वक्त जो एक गमज़दा, पहले ही हम कोरोना की वजह से हमारा रमज़ान, हमारी ईद, हमारी खुशियाँ फीकी पड़ गई थी, उसके ऊपर ये जो हादसा हुआ है इसकी वजह से हमारे दिल बेइंतहा रंजीदा हैं, गमज़दा हैं। पूरा पाकिस्तान इस गम में उन वर्सा के साथ है जिनके घर पे ये शहादतें हुई हैं, जिनके नागहानी इस अमवात का हिस्सा बने हैं, उनके साथ हम मुकम्मल तावन का यकीन दिलाते हैं और हम पूरे पाकिस्तान के लोगों से दरख्वास्त करते हैं कि उनके लिए दुआ करें कि अल्लाह इन शहीदों को जन्नत और फिरदौस में जगह अता फरमाए। मिनिस्टर साहब, जी तहकीकाती टीम यहाँ पर पहुँच गई है और वो अपना काम कर रही है और इस टीम को, ये पाकिस्तान की सबसे बेहतरीन और एक्सपर्ट टीम है जो डीएनए टेस्टिंग के अंदर ऊपर काम कर रही है जेनेटिक इंजीनियरिंग पे। ये टीम इंशाल्लाह जल्द अज जल्द अपनी रिपोर्ट दे देगी। अभी जो हमने जायज़ा लिया अंदर जाके गली के अंदर, ये कोई मौजे से कम नहीं है कि जो ज़मीन पर लोग रह रहे थे, जो घरों में लोग रह रहे थे उनकी अल्लाह ने खैर की, ये किसी मौजे से कम नहीं है। इतनी पतली गली के अंदर इतने बड़े जहाज़ का गिरना और फिर लोगों का बच जाना, ये एक बहुत बड़ा मौजा है। अल्लाह ताला ने दो, जहाँ तक मेरी इतलात हैं, मुमकिन है मज़ीद कोई चीज़ आए, लेकिन जहाँ तक मेरी इतलात हैं दो लोग इसमें इस मौजाना तौर पर ज़िंदा बच गए हैं अब तक। और यहाँ पर मैं भूल ना जाऊँ तो मैं ईदी और चीपा एम्बुलेंस सर्विस और उनकी रजाकारों का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिन्होंने कल रात को बड़ी मेहनत और जांफिशानी से यहाँ पर काम किया। मैं चाहूँगा कि मिनिस्टर साहब इसका जवाब दें। और उसके अलावा सर, एक मिनिस्टर साहब, और उसके अलावा सीईओ और वजीर साहब क्या इस्तीफा देने की रिवायत डालेंगे ताकि जो इन्वेस्टिगेशन हो वो शफाफ हो सके? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आगे सबसे पहले तो मैं तमाम अहलियान कराची से और तमाम पाकिस्तानी भाइयों से, पीआईए के एम्प्लॉज से दिली अफसोस का इजहार करता हूँ इस नागियानी आफत है, इस अफसोसनाक वाक़े पे। और वो तमाम फैमिलीज जो एग्रीव्ड हैं, जिन फैमिलीज़ के घर शहादतें हुई हैं, उनसे अफसोस का इजहार करता हूँ और दिली दुआ भी करता हूँ कि अल्लाह ताला उन्हें ये सदमा बर्दाश्त करने की तौफीक अता फरमाए और मरहूमीन को जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम नसीब अता फरमाए। गवर्नर साहब ने इस पर काफ़ी बात की, सच्ची बात तो ये है कि जो मैं कल कॉन्स्टिट्यूएंसी में था और इफ्तारी के टाइम मैं इस्लामाबाद में पहुंचा, वहाँ मैंने सारी डिटेल्स लीं, मीडिया वहाँ मैंने देखा और बहुत ज़्यादा जो लोगों की पार्टिसिपेशन थी रेस्क्यू करने में, वो दीदनी था, वो मंज़र दीदनी था कि जिस तरह सर्वाइवर्स को निकाला गया, जिस तरह ज़ख्मियों को बचाने की कोशिश की गई, जिस तरह आग को ठंडा करने की कोशिश की गई, उसमें रेंजर्स के जवान भी थे, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के जवान भी थे, लेकिन जो जज्बा कराची के शहरियों का था वो काबिले दीदनी था। इस पर मैं उन्हें खराज तहसीन पेश करता हूँ। शहादतें आपके पास एग्जैक्ट फिगर्स भी मौजूद हैं, मास वाए दो बंदों के, दो सर्वाइवर्स हैं, बाकी तमाम शहादतें हैं, केबिन क्रू की भी शहादत और पायलट दोनों की भी शहादत हो चुकी है। पायलट ने अपने तौर पे पूरी कोशिश की कि किसी तरीके से रनवे पे जहाज़ को ले आया जाए, लेकिन जब उसने देखा कि रनवे तक पहुँचना मुआल है तो तंग गली में कि उसके विंग्स मकानों पर लगे और बॉडी उसकी मेन गली में आई, उसने कोशिश अपनी तरफ से की कि
जितना मिनिमम डैमेज हो सके, इंसानी जानों का जितना मिनिमम डैमेज हो सके, लोगों की प्रॉपर्टी का जितना मिनिमम डैमेज हो सके, अपनी तरफ से उसकी पूरी कोशिश थी। हम पायलट की इस कोशिश पे, साई पे, उसे भी खराज तहसीन पेश करते हैं। अभी हम देख के आए हैं मौका, काफ़ी मकानात डैमेज हुए और ये भी देखे कि वहाँ के बासियों की काफ़ी गाड़ियाँ भी डैमेज हुई हैं। इब्तदाई तौर पे सर्वे का कह दिया गया है, असेसमेंट होगी कि हर घर की मुरम्मत पे, रिपेयर पे और रिहेबिलिटेशन पे जितना खर्चा आना है इंशाअल्लाह ताला वो हुकूमत वक्त बर्दाश्त करेगी। मुकम्मल घर मुरम्मत करके, बहाल करके उन बासियों के हवाले किया जाएगा। इसी तरह जिन लोगों की गाड़ियां जली हैं उन्हें भी कंपनसेट किया जाएगा, वो भी सारी असेसमेंट हो रही है, रिकॉर्डेड डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं उसके, उस पर भी इंशाअल्लाह ताला कंपनसेशन होगी। और सबसे बढ़ के जो पैसेंजर्स की शहादतें हुई हैं, इमीडिएटली गवर्नमेंट ने उस पर भी कुछ रिलीजेस किए हैं, 10 लाख रुपए पर पर्सन। जख्मी है कोई नहीं, दो ही सर्वाइवर हैं, उन्हें 5-5 लाख, लेकिन मेन अमाउंट जो इंश्योरेंस अमाउंट है जो तकरीबन 5 मिलियन के लगभग बनती है, हमारी कोशिश होगी कि जल्द अज जल्द वो भी प्रोसेस करने के बाद जो मुतासरा फैमिलीज हैं उन तक उनका हक पहुंचाया जाए। जो इसमें सबसे अहम बात है, हम में से हर कोई हर इशू पे एक्सपर्ट ओपिनियन रखता है। देखें ये हादसा है और कौमी हादसा है, कौमी अलमिया है, बहुत बड़ा वाकया है, राय ज़रूर देनी चाहिए, लेकिन जो इंक्वायरी कमेटी है उसके आगे कोई राय देनी है, अपना एक्सपर्ट ओपिनियन है वहाँ दिया जाए। कोई ऐसी मालूमात है, कमेटी नोटिफाई कर दी गई है, रात ही प्राइम मिनिस्टर ने उसकी अप्रूवल दी है, 4 इंतहाई एयरफोर्स के तजर्बाकार अफसरान मौजूद हैं, फिर उसका एनालिसिस होगा इस हादसे का, फिर उसकी इंक्वायरी होगी और इंशाअल्लाह ताला पूरी कोशिश होगी कि हकायक जल्द अज जल्द कौम के सामने रखे जाएं, पार्लियामेंट के सामने रखे जाएं। ये भी एक इंतहाई जिम्मेदारी वाली बात, सबसे पहली इंक्वायरी कमेटी जितने कम अज़ कम वक्त में अपनी इंक्वायरी मुकम्मल करे, जो भी शख्स अपनी कोई एक्सपर्ट ओपिनियन रखता है ज़रूर उसे असिस्ट करना चाहिए, उस इंक्वायरी कमेटी को ज़रूर उस तक पहुंचना चाहिए, कुछ स्टेटमेंट है तो वो रिकॉर्ड करनी चाहिए, कोई उसकी एक्सपर्टीज़ है तो वो अपनी राय ज़रूर दे। लेकिन इस तरह मीडिया में आके राय देना, मेरा ख्याल है इससे कन्फ्यूजन पैदा होगी। तो हमारी सबसे अवलीन जिम्मेदारी जो मुतासरा फैमिलीज़ हैं, डेड बॉडीज़ NDA कौन सा है जी, DNA टेस्ट के बाद बॉडीज़ उनकी फैमिलीज़ के हवाले की जाएं, सबसे पहली जिम्मेदारी तो हमारी ये है। उसके बाद उन फैमिलीज़ को कंपनसेट तो अल्लाह ताला ने करना है, बंदा कोई नहीं कर सकता, हुकूमत कोई नहीं कर सकती, लेकिन उनकी फैमिलीज़ के लिए, मुतासरा फैमिलीज़ के लिए कंपनसेशन, ये हमारी दूसरी तरजीह। हमारी तीसरी तरजीह कि जिन लोगों के मकानात, गाड़ियां, प्रॉपर्टी डैमेज हुई है उन्हें भी कंपनसेट किया जाए, ये भी हमारी जिम्मेदारियों में शामिल है। लेकिन अभी तक जो थाने हवेलियाँ का उसकी इंक्वायरी हुई वो मंजर आम पे नहीं आई, तो आप कितना कह रहे हैं कि इंक्वायरी जो है वो इंडिपेंडेंट होगी और ये पब्लिक होगी? देखें जी, एक तो डिपार्टमेंटल इंक्वायरी होगी, गवर्नमेंट ने एक इंक्वायरी बोर्ड ऑलरेडी नोटिफाई किया हुआ है जिसमें PIA की नहीं, पाकिस्तान एयरफोर्स के क्वालिफाइड सीनियर जिम्मेदारान लोग मौजूद हैं, वो इंडिपेंडेंटली इंक्वायरी करेंगे। और सिर्फ वो इंक्वायरी नहीं करेंगे, साथ काउंटर इंक्वायरी एयरबस जिन लोगों ने मैन्युफैक्चर की है वो भी कर रहे हैं। फ्रेंच गवर्नमेंट एयरबस जो कंपनी है उसमें फ्रेंच भी हैं, जर्मन्स भी हैं, उनके एक्सपर्ट्स भी आएंगे, वो भी अपनी काउंटर इंक्वायरी वो भी करेंगे, चेक करेंगे, तो इंशाल्लाह बिल्कुल ये फेयर इंक्वायरी होगी
और एक जिम्मेदार शख्स होने के नाते मैं ये वादा करके जा रहा हूँ कि इंशाल्लाह जल्द अज जल्द, टाइम हम नहीं दे सकते लेकिन हमारी पूरी कोशिश होगी कि जल्द अज जल्द इन दोनों इंक्वायरीज की रिपोर्ट पब्लिक की जाए, पार्लियामेंट के सामने रखी जाए, अवाम उनास के सामने। जब भी कोई इस किस्म का हादसा हुआ करेगा तो मिनिस्टर जो होगा या उसका सरबरा होगा वो रिजाइन कर दिया करेगा, वो नहीं हुआ। दूसरा, जो आपने इंक्वायरी बोर्ड जो बनाया है और एयरफोर्स का एयर कमोडोर को उसका सरबरा बनाया है, और जो पीआईजी के जो इस वक्त हेड है वो भी एयर कमोडोर है और पाकिस्तान एयरफोर्स से ताल्लुक है उनका भी, तो एक ही इदारे का सरबरा दूसरे इदारे के उसी इदारे के सरबरा के खिलाफ इंक्वायरी लेकिन जी एक बात तो जिम्मेदारी के साथ कर रहा हूँ, मुकद्दस माह रमजान है, आखिरी अशरे में खड़े हैं कि फेयर इंक्वायरी होगी, 100% फ्री एंड फेयर इंक्वायरी होगी। अल्लाह ताला को हाजिर नजर जान के इस बात की आपके साथ जिम्मेदारी के साथ एक कमिटमेंट कर रहे हैं। और यार ये 100 इंसानी जानों का मसला है, इंसानियत का मसला है, कौमी नुकसान का मसला है, इसमें कोई जानबदारी नहीं होगी, ये आपको यकीन रखना चाहिए। और देखें ना, उसमें मिनिस्टर की अगर कहीं गैर जिम्मेदारी साबित हो जाती है या चीफ एग्जीक्यूटिव की जिम्मेदारी साबित हो जाती है उन इंक्वायरी कमेटीज़ में, हम ना सिर्फ रिज़ाइन करेंगे, हम अपने आप को इत्तसाब के लिए पेश करेंगे कि हमारे खिलाफ भी प्रोसीड किया जाए अगर हमारी कहीं कोताही हुई है। और इंक्वायरी कमीशन के ऊपर आपको अब बिल्कुल शक नहीं होना चाहिए। जिस तरह की शुगर कमीशन की इंक्वायरी खान साहब ने खुद रन कराई, रिपोर्ट पब्लिक की, उसकी दोबारा रिपोर्ट पब्लिक की, लोगों को कैफर किरदार तक पहुँचाने की कोशिश करें, जो कि आपकी डिमांड तो नहीं थी, ये तो किसी की डिमांड नहीं थी, तो वज़ीर आज़म ने खुद इनिशिएट किया था, तो ये तो इंशाल्लाह इंसानी जानों का मसला है, वो तो प्राइस का मसला था, इंसानी जानों का मसला है, वज़ीर आज़म बहुत सीरियस हैं इस पर। यहाँ मेरे एक मिनट मेरी बात भी सुन लीजिएगा, इसके ऊपर तो बड़े सवाल या निशान खड़े हो गए, मसला सब्सिडी देने का था आप लोगों ने 2017-2016। देखें जो भी मसला था प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा कमीशन बना जिसकी रिपोर्ट आई, इंक्वायरी हुई, इंक्वायरी की रिपोर्ट पब्लिक की गई और अब उन लोगों के ऊपर कार्रवाई होने जा रही है। जो भी मसला था, जो लोग इसके अंदर इन्वॉल्व थे उनको कैफर चाहा जाएगा। जी भाई, जी भाई, किसके मुतालिक? नहीं, हम आज की जिम्मेदारी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है इमरान खान साहब की सरबराई में, उसकी 100% जिम्मेदारी, हर अच्छे हर बुरे काम की जिम्मेदारी हमारी गवर्नमेंट लेने को तैयार है। जो पिछली हुकूमतों ने किया उसको हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, लेकिन उसका पिछली हुकूमतों का गुनाह इस हुकूमत के सर ना डालें। मेहरबानी जी, शुक्रिया। गवर्नर सिंध और वजीर हवाबाजी गुलाम सरवर ने दौरा किया स्पॉट का और सूरत हाल का जायजा लिया और लवाहिकीन के लिए जो इमदाद का ऐलान किया गया है उस हवाले से भी आगाह किया, और जितने मुतासरीन जिनके घरों पर ये जहाज गिरा है उनके लिए क्या इकदाम उठाए गए हैं उससे भी आगाह किया है। और इंक्वायरी के हवाले से उन्होंने कहा कि शफाफ इंक्वायरी की जाएगी, किसी को किसी किस्म का कोई शक नहीं होना चाहिए। एक बार फिर मैं बात करूंगी, नसीम अहमद साहब हमारे साथ मौजूद थे और मेरा सवाल उनसे ये था कि आप इससे कबल ये फरमा रहे थे कि तकनीकी तौर पर जो है जहाज़ मुकम्मल फिट था, और अरशद मलिक जो कि सीईओ हैं वो भी इस बात का दावा करते हैं कि तकनीकी तौर पर जहाज़ मुकम्मल फिट था, तो फिर इंजन का बंद हो जाना, गियर का ना खुलना, ये तो एक सवालिया निशान है ना, फिर किस तरह से ये हादसा हो गया जब जहाज़ भी मुकम्मल फिट था, तो क्या पायलट की कारकर्दगी पर सवाल उठते हैं? नहीं कर सकते, जब हम ये कहते हैं कि जहाज फिट था इसका मतलब ये कि एक निज़ाम ऐसा है कि जो एयरक्राफ्ट की तमाम टेक्निकल चीज़ों को किसी भी रवानगी से पहले सिस्टम एक ऐसा है कि वो मेक श्योर करता है कि तमाम चीज़ें सही हैं। इस बात को कहने के बाद ये भी मुमकिन होता है किसी भी वक्त में कि कोई मैकेनिकल चीज़ें, इलेक्ट्रिकल चीज़ें खराब हो सकती हैं, लेकिन एयरक्राफ्ट का जो डिज़ाइन है, जो एयरक्राफ्ट का डिज़ाइन है ये अब पिछले 70 साल में इतना इम्प्रूव हो चुके हैं कि यूँ समझ लें कि इनमें स्टैंड बाई सिस्टम्स होते हैं, यानी अगर एक चीज़ ख़राब हो जाए तो दूसरा सिस्टम मौजूद है,
अगर इलेक्ट्रिकल पावर चली जाए तो हाइड्रोलिक चली जाए तो कोई स्टैंड बाई मोटर, यानी इतनी सिस्टम में रिडंडेंसी होती है कि हादसा नहीं होगा, कोई इमरजेंसी होगी, पायलट्स को कोई डिफिकल्ट कंडीशंस पेश आएंगी, तो ये तो हो गया एयरक्राफ्ट का डिजाइन। उसके बाद जो होता है कि पायलट्स की ट्रेनिंग, कि जो जो भी इमरजेंसी आ सकती है, मसलन लैंडिंग गियर किसी वजह से नहीं खुल रहे हैं, तो बेली लैंडिंग एक तरीका है, यानी अपने जहाज अपने जो उसके नीचे का बेली है, पेट है, उसकी बुनियाद पर लैंड कर सकता है। और इसकी बाकायदा सिविल एविएशन और ऑपरेटर मिलके सालाना एक्सरसाइज करते हैं, यानी अगर फर्दर उस बेली लैंडिंग का कोई मसला ना हो तो लोगों को बखूब बहिफाजत निकाल लिया जाता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इस जब इमरजेंसीज मल्टीपल होना चली जाए, यानी एक दफा वो लैंडिंग गियर ना होने की वजह से आता है और वहां पर कोई उसको डैमेज हो जाता है, फिर वो जाता है तो इंजन में कोई प्रॉब्लम हो जाती है, उसके बावजूद देखें कि उनकी ट्रेनिंग कितनी अच्छी है कि वो फिर भी रनवे के इतने नजदीक आ गया। अब ये इसको बदकिस्मती कह लें, इसको हालात ठीक है। नसीम साहब, अच्छा कतकलामी के लिए माजरत, अभी गुलाम सरवर खान साहब कह रहे थे कि एयरबस एक्सपर्ट्स भी जो है वो इंक्वायरी करेंगे कि क्यों हादसा पेश आया। ये जो तैयारा जिसे आप कहते हैं एयरबस, ये एक अच्छी कारकर्दगी का हामिल तैयारा समझा जाता है, आप किस तरह देखते हैं इस मॉडल को? देखें, पहली चीज ये नजर में रखें कि मैं शहरी हवाबाजी के वजीर साहब को भी सुन रहा था, उनका भी कोई कसूर नहीं है, उनकी अपनी जो नॉलेज है उसके मुताबिक उन्होंने बात कर दी, मुझे उनकी नीयत से बिल्कुल शक नहीं है। लेकिन चूंकि मैं पिछले 20 साल से इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेशन और CA में भी मैं रहा था और एयरफोर्स आर्मी नेवी की भी मैंने इन्वेस्टिगेशन की हैं, जो इंटरनेशनल सिविल एविएशन के तहत जो हादसा होता है इसकी इंक्वायरी सिर्फ और सिर्फ स्टेट करती है, यानी सिर्फ पाकिस्तान करेगा, बाकी तमाम चाहे वो एयरबस हो, चाहे वो कोई इदारा हो, चाहे कोई एक्सपर्ट हो, वो सिर्फ उनकी इआनत करेंगे, यानी उनकी मदद कर सकते हैं। जाहिर है जो भी एक्सपर्ट्स की कमेटी बनेगी उन्हें तमाम चीज़ों का तजर्बा कभी भी नहीं होगा, वो मैन्युफैक्चरर, इंजन मैन्युफैक्चरर, लैंडिंग गियर मैन्युफैक्चरर, पायलट्स की साइकोलॉजिस्ट के एक्सपर्ट्स, उन सबसे वो मदद लेते हुए तमाम जिम्मेदारी अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल लॉ हुकूमत पाकिस्तान की है। हाँ, जिस चीज का मुझे खदशा होता है, जो हमेशा कहता हूँ कि एयरबस के जो एक्सपर्ट्स आएंगे, इंजन के एक्सपर्ट्स आएंगे, लैंडिंग गियर के एक्सपर्ट्स आएंगे, इस जहाज को उड़ाने के क्या तरीके हैं, उसके एक्सपर्ट से मदद जब हम लेंगे तो उनके अपने इंटरेस्ट होंगे, वो अपने इंटरेस्ट पे, अगर हमने इंक्वायरी उनके हवाले कर दी, हमारे एक्सपर्ट्स में अगर ये काबिलियत नहीं है, उनको तजर्बा नहीं है, ये हमेशा देखा जाता है कि जो एक्सपर्ट्स आप कमेटी बना रहे हैं उनकी नीयत पे कोई शक नहीं करता, लेकिन क्या उन्हें तजर्बा है, क्या उनकी तालीम है, क्या इंटरनेशनल कवानी के मुताबिक उनके पास वो स्टैंडर्ड्स मौजूद हैं, ये देखने की जरूरत होती है। उनको चाहिए कि एक्सपर्ट से मदद लें ताकि कोई एक इंटरेस्टेड पार्टी एविडेंस को, जो एविडेंस किसी पार्टी के खिलाफ जा रहा है, मसलन हम एक फर्ज कर लें कि PIA इंजीनियरिंग के मुताबिक कोई इसमें फॉल्ट निकलता है, तो ये तमाम इंक्वायरी PIA के एक्सपर्ट के बगैर हम नहीं कर सकते, वो एक्सपर्ट्स नहीं कर सकते, तो हमें इतनी अहलियत होनी चाहिए इन्वेस्टिगेशन बोर्ड की कि वो किसी को इंक्वायरी को अपने तौर पे मोल्ड करने की इजाज़त ना दे, इसमें सबकी मदद लेनी चाहिए। और जैसा कि मुशीर हवाबाजी ने फरमाया कि जितने भी एक्सपर्ट्स हैं, जितने भी इदारे हैं, उन सबको चाहिए, लेकिन मुशीर हवाबाजी को ये चाहिए कि कम अज़ कम वो तरीक़ाकार पाकिस्तान का, जैसा कि माहौल है, कि इस इंक्वायरी कमीशन खुद अखबारों में दे कि जी मेरे पास आए, हमारी मदद करें, वरना किसी के लिए मुमकिन नहीं कि इनकी मदद कर सकें। अच्छा अब्दुल सत्तार साहब, आपसे जानना चाहूंगी ब्लैक बॉक्स के बारे में, एक अहम हिस्सा उसका मिल गया है जिसे क्विक एक्सेस रिकॉर्डर कहा जाता है, ये फरमाइएगा कि तहकीकात में ये कितना मददगार साबित होगा और क्या क्या इससे हासिल हो सकता है, क्या मालूमात हासिल होंगी? जी, मैं इंतज़ार कर रहा था कि मुझे मौका मिले। एक तो मैं सबसे पहले तस्दीक करना चाहूँगा, आपने भोजा एयर को बताया कि वो मारगला की पहाड़ी में क्रैश हुआ, भोजा जो है वो बेनज़ीर भुट्टो एयरपोर्ट की अप्रोच पर, और वो मारगला से बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में है, उस वक्त मौसम की ख़राबी थी, बहुत शदीद तौर पर मौसम ख़राब था। हाँ, अलबत्ता जो एयर ब्लू के बारे में आपने कहा है मारगला में क्रैश, तो वो बात ठीक है। अच्छा, फिर यहाँ पे पायलट के मुतालिक बात की गई, तो वो हमने PIA से चेक किया है, ये पायलट सजाद, माफ़ कीजिएगा, पायलट सजाद इस वक्त A320 के सीनियर मोस्ट पायलट थे और ये क्वालिफाई कर चुके थे कि इनको अब बोइंग 777 बड़े जहाज़ पे, वाइड बॉडी पे इनको शिफ्ट किया जाए।
इस जहाज़ की हिस्ट्री के बारे में भी मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि इस जहाज़ की उम्र 16 साल थी और ये 6 साल पहले PIA में ड्राई लीज के जरिए PIA के फ्लीट में ये शामिल हुआ था। बाकी जो इनके वो चेक्स होते हैं वो सारे अपने टाइम पे मुकम्मल हुए। इंक्वायरी कमेटी के बारे में बात किया गया, जो हमने गवर्नमेंट के अप्रूवल से हमने कमेटी नोटिफाई कर दी है, वो अपनी उनको साथ ही हिदायत कर दी गई है कि जी शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम, लेकिन जब एयर क्रैश इन्वेस्टिगेशन होता है दैट्स अ लेंथी प्रोसेस। हमने उनसे कहा कि आप अपनी जो प्रीलिमिनरी स्टेटमेंट है वो एक महीने के अंदर देंगे। अब जो नसीम साहब ने बात की, मैं उसको साथ थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगा कि जब जहाज़ क्रैश होता है तो उसमें मल्टीपल पार्टीज़ का जो है उनका स्टेक होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब एक जैसे हमारा हवेलियाँ वाला क्रैश था तो उसमें जो जहाज़ था वो ATR कंपनी फ्रांस का बना हुआ था और फ्रांस की वो कंपनी, लेकिन उसमें जहाज़ में जो दोनों इंजन थे वो प्रैट एंड विटनी कैनेडा के थे। उस जहाज़ का जो प्रोपेलर थे वो अमेरिका की एक कंपनी के बने हुए थे। अब जब इस तरह से मल्टीपल इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट मुख्तलिफ मुल्कों में आ जाते हैं तो वो कंपनीज, उनकी अपनी रेपुटेशन भी एट स्टेक होती है और वो इस तरह की जो चीज़ों में वो तहकीक करते हैं वो उनकी अगली प्रोडक्ट इम्प्रूवमेंट और प्रोडक्ट सेफ्टी के लिए वो बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। तो यकीनन ये हमारा प्रेरोगेटिव है, हमने इसकी इंक्वायरी करनी है, लेकिन एट एवरी स्टेज ये एयरबस को भी वो साथ साथ वो किया जाएगा और इंजन वाली कंपनी को भी किया जाएगा। और अभी जो आपने ब्लैक बॉक्स की बात की तो उसमें दो ब्लैक बॉक्स के दो हिस्से होते हैं, एक तो कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर होता है जो पायलट और जो आपस में बात करते हैं, जो उनसे एयर ट्रैफिक कंट्रोलर से बात करते हैं, जो मुसाफरों के कैबिन के साथ उनकी वो गुफ्तगू होती है वो सारी की सारी उसमें रिकॉर्ड रहती है। और प्रायर टू क्रैश इसमें जब उसको एनालाइज किया जाए तो उसमें बहुत अच्छे लीड मिल जाते हैं कि क्या वजह हुई होगी। दूसरी जो है चीज़ वो फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर होता है, ये ब्लैक बॉक्स का दूसरा हिस्सा है। इसके अंदर जहाज़ के तमाम जो उसमें प्रोसेस चल रहे हैं, इलेक्ट्रिकल हैं, उसके अंदर मैकेनिकल हैं, फ्यूल के वो और वो तमाम, और उसमें नेविगेशन की वो तमाम वेरिएबल्स जो हैं उसमें कॉन्टीन्यूसली रिकॉर्ड होते रहते हैं। जब ये जब ऐसे खुदा न खास्ता क्रैश हो जाए तो ये ब्लैक बॉक्स जो है इनको फिर भेजा जाता है डिकोडिंग के लिए। तो अभी ये जो क्विक एक्सेस वाला है ये माइट बी एक अलग से कंपोनेंट हो, लेकिन जो मेन ब्लैक बॉक्स है उसके दोनों कंपोनेंट, जी नसीम साहब आप बताइए, रिकॉर्डर और फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर, जब ये रुकेंगे वो जाएंगे OEM को जाएंगे और वही उसमें से डाटा रिकॉर्ड करके उसको एनालाइज करेंगे। और साथ ही अब ये जो साइट से जो मलबा वगैरह इकट्ठा हो रहा है इसको सारे के सारे एक एक नट पेज इसका जो है उसको सेव किया जाएगा। और जब ये सारा डाटा एनालाइज होगा तो उसकी बुनियाद पर फिर वो साथ साथ वो रिक्वायरमेंट करते हैं कि जी बताइए कि इसमें ये पार्ट कहाँ है, और किसी खाली हैंगर में आमतौर पे इन पार्ट्स को रखा जाता है और एज पर रिक्वायरमेंट उनका फिर टेस्टिंग होती है, एनालिसिस होता है, डाटा एनालाइज किया जाएगा, उसके बाद तमाम चीज़ें जो है हकायक जो है वो सामने आएंगे। सत्तार साहब हमारे साथ रहिए। नसीम साहब आप कुछ कह रहे थे? हाँ, मैं कह रहा था माशाल्लाह सत्तार साहब जॉइंट सेक्रेटरी एविएशन है, बहुत अच्छी माशाल्लाह नॉलेज है, आई एम वेरी इम्प्रेस बाय हिम। ये जो पार्ट मिला है आपको कल जिसको क्विक एक्सेस रिकॉर्डर कहते हैं, ये थर्ड है, ये साइज में छोटा होता है, इसे लैंडिंग गियर वगैरह में लगा दिया जाता है ताकि जब भी जहाज, आजकल ये होता है कि जो डेटा है ना वो ऑनलाइन ट्रांसमिशन भी हो रही होती है जब जहाज उड़ रहे होते हैं, और जब जहाज कहीं लैंड करता है तो मोस्ट इंपॉर्टेंट डेटा टेक्नीशियंस जाके इसमें अपनी सिम लगाते हैं, उतार लेते हैं। तो ये मिल गया है विच इज अ क्विक एक्सेस, इससे स्मॉलर इन साइज, इससे भी मदद मिलेगी, लेकिन जो DFDR की और CVR की बात की है उसकी जब डाउनलोडिंग डिकोडिंग होगी तो तमाम चीजें इस तरीके से सामने आ जाएंगी कि जैसा एक आम आदमी तस्वर नहीं कर सकता। इवन क्वाइट एक्सपीरियंस इंजीनियर्स को भी इतना नहीं पता होता कि उसमें कितना डेटा होता है। लेकिन कॉशन ये होती है कि देखें, ये एक हकीकत है कि बोइंग एंड जो मुख्तलिफ इदारे होते हैं जब ये इन क्विक इन DFDR वगैरह को जब डी कोड करते हैं तो ये वाकयात गूगल पे आपको मिल जाएंगे, अदालतों में गए हैं, ये सिंगापुर में गया है, यूरोप में जाते हैं, कि ये लोग चूंकि जो इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते हैं उनकी इतनी नॉलेज नहीं होती, जिस तरह आप एक किसी टेक्नीशियन के पास अपना
मामूली सी भी चीज़ लेके जाते हैं तो वो कहता है कल आके ले जाइएगा, मैं ठीक कर दूंगा। आपको कभी नहीं पता चलता कि फॉल्ट क्या था। तो बहुत एहतियात की ज़रूरत होती है कि मुतल्लिका एक्सपर्ट्स अपनी टीम के साथ हो, वो उनको अपनी मर्जी से इजाज़त दे कब खोलेंगे कैसे खोलेंगे। ठीक है, मुतालिका एक्सपर्ट्स तमाम तर तहकीकात करेंगे, उसके बाद ही तमाम तर चीज़ें सामने आएंगी कि हादसे की वजह क्या बनी। आप तमाम मेहमान का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने बोली उसके लिए वक्त निकाला और इस हवाले से हमें जो है वो नॉलेज दी। इस ट्रांसमिशन को हम ख़त्म करेंगे नाज़रीन इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे और तैयार हादसे में जो लोग जाँ बहक हुए उनकी मगफ़िरत फरमाए और उनके घर वालों को सब्र जमील अता फरमाए। दोनों परों के अंदर आग सी लगी हुई थी।